Hello foodies, welcome to Zaika Jignas Kitchen. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon to never miss update on new recipes. Hello friends, welcome back to Zaika Jignas Kitchen. Friends, आज मैं आपके लिए एक और baking की recipe लेके आई हूँ, star pizza bread. जी हाँ friends, ये खाने में तो बहुत ही yummy है, पर दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती है. ये वीडियो में मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स दी है उसको यूज़ करके आप ये स्टार पिज़्ज़ा ब्रेड घर पे ज़रूर बनाइए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना स्टार पिज़्ज़ा ब्रेड. फ्रेंड्स, स्टार पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 3/4 कप मैंने यहाँ पे लुकवॉर्म मिल्क लिया है, उसकी जगह पे आप पानी का यूज़ कर सकते हो, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है, इसकी जगह पे आप गार्लिक फ्लेक्स या चिली फ्लेक्स और ओरेगानो सारी चीज़ें मिक्स करके ले सकते हो, 2 टीस्पून पाउडर शुगर, 2 टीस्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, ये मेरा ईस्ट इंस्टेंट ईस्ट है ड्राई, 1 टीस्पून सॉल्ट. सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम ईस्ट को एक्टिव करेंगे. उसके लिए मैंने यहाँ पे जो लुकवॉर्म मिल्क लिया है वो थोड़ा सा लूँगी मैं, आप वाटर भी ले सकते हो, वो भी लुकवॉर्म होना चाहिए. उसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून पाउडर शुगर और 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट. इसको मैं 10 सेकंड का रेस्ट दूंगी. फ्रेंड्स, ईस्ट हमारा एक्टिव हो गया है. इंस्टेंट ईस्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्टिव होने में. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, पिज़्ज़ा सीजनिंग 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल. मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई हूँ, पर यहाँ पे आपको 2 टीस्पून ऑयल भी ऐड करना है. ऑयल की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हो, 2 टीस्पून जितना. अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने 3/4 कप मिल्क लिया था लुकवॉर्म, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी. मेरे पास यहाँ पे बीटर है जिससे मैं आटा बना रही हूँ, आप इस आटे को हाथ से भी बना सकते हो. फ्रेंड्स, देखिए आटा बिल्कुल रेडी है. इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं. अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको कम से कम 10 या 12 मिनट लगेंगे आटा बनाने में, और इसको हम रखेंगे 10 या 15 मिनट. ये मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए मैं इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख देती हूँ. अगर आप फ्रेश ईस्ट का यूज़ कर रहे हो तो आपको आधा घंटा या 1/4 घंटा इसको रेस्ट के लिए रखना है. और अब तब तक हम देख लेते हैं पिज़्ज़ा स्टफिंग में क्या चाहिए. स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस 4 टेबल स्पून मैंने लिया है, चीज़ यहाँ पर मैंने मोज़रेला और प्रोसेस दोनों को मिक्स किया है, पेस्टो पेस्ट की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर की है तो वो आप देख लीजिए. और अगर आपके पास पेस्टो पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस से भी काम चला सकते हो, पिज़्ज़ा सीजनिंग. फ्रेंड्स, देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छा राइस हो गया है. अब मैं इसको एक बोर्ड पे ले लेती हूँ और ऑयल से थोड़ा सा इसको वापस एक बार मसल लेती हूँ. और इसके हम 3 पार्ट करेंगे. यहाँ पे एक से मैंने 3 पार्ट कर दिए इसके और अच्छी तरह से इसको हम बॉल के शेप में बना देंगे, राउंड. यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मैट ले ली है, उसमें मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी और इसको हम राउंड शेप में बेल लेंगे, मीडियम साइज का, बहुत पतला भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं. ये आटा आप बेल सको ऐसा होना चाहिए, यानी बहुत ही ठीक नहीं होना चाहिए. ये तीनों मैंने बेल लिए है. अब मैं इस पर ग्रीसिंग करूँगी ऑयल से. यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल बटर या कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो. इसके बाद मैं इस पर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस.
अच्छी तरह से इसको हम स्प्रेड कर देंगे हर जगह पे। इस पर मैं ऐड करूंगी चीज़ जो मैंने मोजरेला और प्रोसेस चीज़ मिक्स करके रखा है, वो ऐड कर रही हूँ मैं। चारों ओर ऊपर हम रखेंगे दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी है, उसको ऐसे प्रेस कर देना है। वापिस वही रिपीट करेंगे हम। ऑयल या बटर कुछ भी इस पर आएगा हमारा पेस्टो पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे चारों ओर। पेस्टो पेस्ट के अलावा आप कोई भी आपको स्टफिंग पसंद है वो ऐड कर सकते हो। इस पर वापस हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज। इस पर हम ऐड करेंगे पिज्जा सीज़निंग। और जो हमने तीसरी रोटी बेल के रखी है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे हाथ से। अब मैं इसमें एक बीच में ये मैंने एक ग्लास लिया है राउंड, उससे मैं सिर्फ इसमें इंप्रेशन करूंगी राउंड बीच में सिंपल जो आपको दिखे इतना ही। और अब मैं ले रही हूँ पिज्जा कटर, यहां से मैं कट लगाऊंगी। जब भी आप पिज्जा कटर यूज कर रहे हो यहाँ पे ऑयल लगा दीजिए थोड़ा सा तो स्टफिंग आपका बाहर नहीं आएगा। देखिए एक राउंड तक वही जाएगा, यहां से दूसरा एक आएगा यहां से एक और सामने से। यहाँ पे मैंने 16 कट किए हुए हैं, यानी ये जो पार्ट है वो 16 है। इसमें से हम 8 बनाएंगे स्टफिंग वाले। देखिए किस तरह से करना है आपको। 16 कट लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे राउंड कीजिए और इस तरह से। वापस एक बार आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये दोनों लीजिए आप एक साथ, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट हाथ से ट्विस्ट कीजिए और यहाँ फिक्स कर दीजिए। दूसरी एक बात याद रखिए, देखिए मैंने बटर पेपर लिया है तो आपको ये बटर पेपर पे ही ऐड करके करना है। जब भी इसको आप बेक करने के लिए रखोगे तो ये आप बटर पेपर होगा तो आसानी रहेगी। देखिए मैंने सारा बना लिया है, आप देख सकते हो कितना ही अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब मैं इस पर मिल्क वॉश करूँगी, यानी मैंने 2 टेबलस्पून लिया यहाँ पर लिया है शुगर पाउडर और 2 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर मिल्क, उससे मैं ऊपर ग्रीसिंग करूंगी। आप इस पर एग वॉश भी कर सकते हो। अच्छी तरह से मिल्क वॉश करना है आपको। देखिए तो जो उसकी ऊपर की परत है बिल्कुल ब्राउन बेक होगी। और इसको सिर्फ आपको अगर आप इंस्टेंट ईस्ट आपने यूज किया है तो ये आपको सिर्फ आपको 10-15 मिनट ही इसको रेस्ट टाइम देना है और तुरंत ही इसको बेक करना है। मैंने अपने ओवन को 200 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, टॉप बॉटम ग्रिल और फैन। देखिए मिल्क वॉश हो गया है अच्छी तरह से। ब्रेड में ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप जब भी ब्रेड पाव कुछ भी बनाते हो तो मिल्क वॉश करने से ऊपर की जो परत है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी। ये पिज़्ज़ा स्टार ब्रेड मैंने बेकिंग प्लेट में बटर पेपर की मदद से रख दी है और इसको मैं बेक करूँगी 200 डिग्री पर 30 मिनट। 30 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे और फंक्शन हमारा रहेगा टॉप बॉटम ग्रिल और फैन।
अगर आप कन्वेक्शन में बेक कर रहे हो तो उसमें भी आपको 200 डिग्री पर 25 या 30 मिनट बेक करने का टाइम लगेगा। जब तक आपके ऊपर की जो ब्रेड की परत है ब्राउन नहीं हो जाती तब तक आपको बेक करना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई है, टोटल इसको 35 मिनट लगे हैं बेक करने में। और मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है, आप बटर या ऑयल से इसको ज़रूर ग्रीस कीजिए तो ये जो शाइनिंग आप देख रहे हैं वो शाइनिंग अच्छी रहेगी। स्टार पिज़्ज़ा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको आप टेंगी डिप या चीज डिप के साथ सर्व कर सकते हो। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है, तो ये यम्मी और डिलीशियस रेसिपी घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल चायका जिग्नास किचन, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए।